लेते हैं। साथ साबरी, कौन सी जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं? यहां पर भी क्या कोई रिएक्शन है? मैं इस वक्त शारा फैसल पे मौजूद हूँ। इंसाफ हाउस में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके बाद हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ की क्यादत है और उनके कारकुनान हैं, वो अचानक से शारा फैसल पर निकल आए। जबकि यहाँ पर पुलिस की जानिब से उन्हें पहले से ही ये कह दिया गया था कि किसी भी किस्म का आवाम को नुकसान नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए, और पीटीआई की जानिब से भी ये कहा गया था कि वो पुरअमन वॉक करेंगे। पर हमने देखा कि अचानक से जो कारकुनान है उनकी बड़ी तादाद शारा फैसल पर आ गई और उन्होंने वॉक करना शुरू कर दिया। अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो शदीद ट्रैफिक का दबाव मैं इस वक्त देख रहा हूं, जो शारा फैसल पे नर्सरी से सदर जाने वाला ट्रैक है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन कमीशन की जानिब बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी तादाद में गाड़ियां जो हैं वो पीछे फंसी हुई हैं, जिन्हें नर्सरी का ये स्टॉप जो है वो क्रॉस करना है और अपनी मंजिलों पे जाना है। पर पुलिस की जानिब से बार बार कारकुनान को ये तंबीह की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि वो सर्विस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एहतजाज करना उनका हक है, पर ट्रैफिक को जाम ना किया जाए। ठीक है, साथ साबरी, बिल्कुल आपसे अपडेट इस हवाले से हम लेते रहेंगे। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का ये अहम फैसला इमरान खान के हवाले से।